नहीं मिल रही है 6 महीने से गैस सिलेंडर की सब्सिडी, तो देखिए हमारी इस विशेष रिपोर्ट को। अगर आप रसोई गैस का सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं और आपके बैंक खाते में सब्सिडी का पैसा नहीं आ रहा, तो ये खबर आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। और अगर आपने अब तक ये नहीं देखा कि पिछले 6 महीने से आपके खाते में सब्सिडी के नाम पर 10 से 12 रुपए भेजे जा रहे हैं, तो ऐसा क्यों है, इस खबर को पूरा देखें। हम आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रसोई गैस के सिलेंडर पर सब्सिडी खत्म करने का प्लान तेजी से आगे बढ़ रहा है और उसी के तहत अब जो पहले 150 से 130 रुपए सब्सिडी के वापस होते थे, वह 10 से 12 रुपए रह गए हैं। कितनी चालाकी के साथ सरकार के द्वारा यह कृत्य किया गया है कि लोगों को इसकी भनक तक नहीं हुई। समाचार 24 ने जब इस खबर की पूरी पड़ताल की तो सामने आया जो सच, वो हैरान कर देने वाला था। सरकार के द्वारा आपके रसोई गैस सप्लाई का ठेका एक निजी कंपनी के हाथों में दे दिया गया है और साथ ही सरकार सब्सिडी मुक्त सिलेंडर नहीं दे रही। यानी कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने 610 में रसोई गैस का सिलेंडर लिया है और आपके खाते में 120 से 150 रुपए तक जो कि 6 महीने पहले तक वापस आ रहे थे, अब वे नहीं आएंगे, ये आप जरूर जान लीजिए कि इस कारण नहीं आ रहे हैं। अगर हम सरकारी रेट और सरकारी कंपनियों की बात करें तो जब से कोरोना काल शुरू हुआ है तब से कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन मोदी सरकार ने इसी दौरान आपकी जेब को चुपके से काट दिया है और आपको एहसास नहीं हुआ। गरीबों की बात करने वाली सरकार किस तरीके से गरीबों की जेब चुपचाप काट रही है, इसका एहसास अब तक लोगों को नहीं हो पाया। अगर आप इस भ्रम में जी रहे हैं कि आपके पास रसोई गैस की सब्सिडी का पैसा आ रहा है, तो आप अपना खाता जरूर चेक करें, आपको बाबा जी का ठुल्लू ही मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार 24।